दोस्तों अगली बार मेडिकल पर दवाइयां खरीदने जाने से पहले जरा सावधान रहें, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए तकरीबन 150 से भी ज्यादा 156 दवाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि इन दवाइयों को बैन कर दिया। तो इन दवाइयों को अब आप ना खरीदें, क्योंकि मेडिकल स्टोर वाले तो अपना स्टॉक आउट करने के चक्कर में ग्राहकों को बैन के बावजूद भी कई बार दवाइयां बेच देते हैं, क्योंकि सरकार ने कहा कि इन दवाओं से खतरा पैदा हो सकता है इंसानों के शरीर में और इन दवाओं के कई अन्य सुरक्षित विकल्प भी उपलब्ध हैं। यही वजह है कि सरकार की तरफ से इन दवाओं को बैन किया गया। आए दिन कई बार आपको पता होगा नकली दवाइयां भी पकड़ में आती हैं। ये यूपी का मामला देखिए, 5 और कंपनियों पर मुकदमा दर्ज हुआ, मरीजों को नकली दवाइयां दी जा रही थी। ये इन दवाओं के कुछ नाम भी आप देख सकते हैं, सिफेक्सिमा 100 DS दवाई जांच में अधोमानक मिली यानी कि नकली मिली। इसके अलावा भी माइट क्षिम 200 DT दवा भी जांच में नकली पाई गई। तो दवा खरीदते समय आप ये भी ध्यान रखें दोस्तों, असली नकली का विशेष तौर से। और ये जो 156 तरह की दवाइयां हैं, इन पर तो पूरी तरह से प्रतिबंध ही लगा दिया है, यानी कि इन दवाओं को तो अब खरीदना ही नहीं है। आपकी हेल्थ से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट आ रहा, सरकार ने बुखार, जुखाम, एलर्जी और दर्द के लिए उपयोग में की जाने वाली तकरीबन 156 आम दवाओं पर यह प्रतिबंध लगाया है। इनमें से कई सारी दवाइयां जीवाणुरोधी यानी कि एंटीबैक्टीरियल हैं और इन्हें फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC की दवाओं के रूप में भी जाना जाता है। आइए अब देखते हैं कुछ मुख्य दवाओं के नाम जिनको सरकार ने बैन कर दिया, तो अभी इन दवाओं को आपको नहीं खरीदना है, क्योंकि सरकार ने साफ साफ कहा कि ये दवाइयां इंसानों के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। तो इनके पीछे एक रीजन समझिए, कारण क्या है कि इन दवाओं को बैन किया गया। तो सबसे पहले तो FDC दवाओं में 2 या 2 से अधिक दवा तत्वों का एक निश्चित अनुपात में मिलान किया जाता है। इन्हें आमतौर पर कॉकटेल दवाइयां भी कहा जाता है। अब कॉकटेल का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, कई लोग जैसे वाइन दारू पीते हैं तब 2 अलग अलग तरह के ब्रांड की दारू को मिक्स कर देते हैं, तो उसे भी कॉकटेल कहते हैं। तो कॉकटेल का बेसिकली मतलब ये होता है कि 2 चीजों के मिश्रण से किसी तीसरी नई चीज का निर्माण करना। और दवाओं में ये जो FDC की दवाइयां, मैंने आपको बताया ना फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन जिसका पूरा नाम है, ये दवाइयां कॉकटेल के जरिए ही बनाई जा रही थी। मतलब मार्केट में अवेलेबल 2 या 3 तरह की दवाओं को मिला दिया जाता, उनसे एक नए काम के लिए, नए पर्पज के लिए दवा बना दी जाती है, जैसे खांसी और जुकाम की दवाओं को मिक्स कर दिया ऐसे। तो अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अभी हाल ही में 15 अगस्त से पहले 12 अगस्त को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें ये बताया था कि एक्सेफ्लोफेनाक 50 मिलीग्राम प्लस पेरासिटामोल 125 मिलीग्राम टेबलेट, इसका एक कॉकटेल बनाया जा रहा था जिसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया यानी कि बैन लगा दिया। ये दवा सरदर्द या छोटे मोटे दर्द से राहत दिलाने वाली लोकप्रिय दवाओं में से एक है, जिन्हें कई सारी प्रमुख दवा कंपनियों द्वारा बनाया जाता है। अब इस सूची में और भी कई तरह की दवाइयां शामिल हैं जिनका कॉकटेल बनाया जा रहा है। देख सकते हैं आप, मीफेनामिक एसिड प्लस पेरासिटामोल इंजेक्शन, इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन है सेटीरिजन HCl प्लस पेरासिटामोल प्लस फेनाइलफ्रिन HCl, ये 3 कॉम्बिनेशन मिलाकर के ये कॉकटेल दवा बनाई गई है। इसी तरह से और भी अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन वाली जो दवाइयां, केंद्र सरकार ने पेरासिटामोल, ट्रामाडोल, टोरिन और कैफीन के मिश्रण पर ही प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि इन दवाओं का मिश्रण करके अन्य कोई दवा नहीं बनाई जा सकती है। ट्रामाडोल जो कि एक दर्द निवारक दवा है, पेन किलर कह सकते हैं आप इसे, तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में ये बताया गया कि ये जो FDC दवाइयां होती है ना, इनका इस्तेमाल इंसानों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा होता है जो मिश्रित की हुई दवाइयां, जबकि इनके विकल्प के रूप में अन्य कई दवाइयां उपलब्ध हैं ऑलरेडी। तो ये वजह है कि सरकार की तरफ से अब इन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले भी काफी बार सरकार ने कुछ दवाओं पर बैन लगाए थे, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं 2016-23 वगैरह में भी है ना। तो अब सिंपल कहने का मतलब ये कि आप अगर कोई दवा खरीद रहे हो जैसे खांसी जुकाम की, तो उस दवा के कंटेंट्स चेक करो आप कि वो दवा कहीं कॉकटेल मेडिसिन तो नहीं है, उस दवा में कोई 2 तरह की मेडिसिन दवाओं को मिलाकर तो नहीं बनाया गया, या आप सीधा सीधा मेडिकल स्टोर वाले से पूछ लीजिए। ये जो इमेज है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस मिश्रण वाली दवाइयां आप ना खाएं, ना काम मिले तो बेहतर है। ओके, उम्मीद है दोस्तों दवाओं से जुड़ा ये न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। और भी रोजाना ऐसे काम की खबरें, महत्वपूर्ण समाचार, सरकार के बड़े फैसले, नए नियम देखते रहने के लिए बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और बाकी आपका दिल करे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। लाइक करो या मत करो, शेयर जरूर करना अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ठीक है। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।